हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। आज सुबह सुबह फिर मैं निकली हूँ जॉगिंग और वॉकिंग के लिए। मैं वॉक के लिए पीछे बूढ़ी ही थी, तभी मैंने देखा कि ये लड़का अपने ढेर सारे नारियल के साथ सवेरे सवेरे पहुँच गया है और बस तैयारी कर रहा है घर घर पहुँचाने की। ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल छीलकर तैयार है और बस इसमें एक होल करना है और स्ट्रॉ भी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉ मत दिया करो, स्ट्रॉ अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। तो अपना नाम बता दो। इम्तियाज़ आलम। तो इम्तियाज़ को वहीं छोड़कर मैं आगे बढ़ गई। सुबह सुबह मैं इस पेड़ के पास ज़रूर रुकती हूँ। आप भी सुनिए चिड़ियों का कलरव। लीजिए, मैं पहुँच गई अपने किचन में और आज बनाने की तैयारी है मेदू बड़ा। तो मेदू बड़ा के लिए मैंने लिया है एक कटोरी उड़द की धुली दाल। ये देखिए, एक कटोरी बराबर बिल्कुल लेवल कटोरी, एक कटोरी दाल ले लिया। अब इसे जाली के बर्तन में अच्छी तरह से धो लूँगी रनिंग वाटर। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद फिर एक किसी पैन में उसे भिगोने के लिए रख दूँगी 3 से 4 घंटे। और इसको अच्छी तरह जब ये फूल जाएगी दाल, उसके बाद उसको छान करके उसे पीसना है बहुत कम पानी में, बल्कि पानी जितना कम दे सके उसकी जगह 2 बर्फ डाल करके उसे अच्छी तरह पीसना है, ताकि पिसी हुई दाल को फिर पिसी से मेदू बड़ा बनाएंगे। तो ये बस अभी फूलने ही डाला है और इसे अलग कर रख दूंगी। और उसके बाद मैं मसाले तैयार कर रही हूँ सांभर के। तो सबसे पहले जीरा है, 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच काली सरसों, 3 चम्मच काली मिर्च और ये 6 चम्मच साबुत धनिया। तो ये इन सारे मसालों को रोस्ट करना है। तो इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है और सिम करके गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे इसे इन सारे मसालों को एक पैन में रोस्ट करना है। एक साथ भी आप कर सकती हैं आराम से इसे रोस्ट करके। इतना रोस्ट करना है कि बिल्कुल बहुत लाल ना हो, आपको अंदाज हो जाएगा कि बस अब गैस ऑफ करना है। लेकिन गैस ऑफ करने के बाद फिर 2 इंग्रेडिएंट और भी इसमें जाएंगे, जैसे मेथी, 1 बड़ा चम्मच मेथी और कुछ करी पत्ते, तो वो भी आप तैयार रख लें। इसमें डालना है और ये तब डालना है जब इसे गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने स्विच ऑफ कर दिया और अब मेथी दाने और करी पत्ते डालूंगे। ये मेथी दाने डल गए, 1 बड़ा चम्मच और ये करी पत्ते। तो ये जो ऑलरेडी बाकी मसाले बिल्कुल गर्म हैं, तो इनकी गर्माहट से ही ये मेथी दाने भी गर्म हो जाएंगे और इन्हें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये बड़े कड़वे हो जाते हैं, इसी वजह से इनको ज़्यादा भूनना नहीं है। और अब फिर तैयारी होगी, उसी पैन में आप उसको पहले जितने मसाले हैं उनको दूसरे बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर दें। ये देखिए, मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इनको, बिल्कुल थोड़ा ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर तक आ जाए। और तब तक तैयारी होगी ये मिर्च को रोस्ट करने की। और ये मिर्च है कश्मीरी मिर्च, 30 से 35 कश्मीरी मिर्च लिया है मैंने। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ये तीखे नहीं होते हैं। ये सारी इनकी डंडियाँ तोड़ कर रखा है और उसी पैन में फिर से गैस को ऑन करके सिम करके धीमी आंच पे ही इसे सेंकना है। अच्छी तरह सेंक कर सिक जाएगी जब ये मिर्चें, तो उसके बाद फिर गैस ऑफ करके इनको भी बिल्कुल थोड़ा हल्का ठंडा होने देना है और उसके बाद पिसने की तैयारी होगी। तो ये देखिए, दरअसल सूखा सांभर मसाला आप घर पर आराम से बना कर रख सकती हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसकी सुगंध, अरोमा भी इतना ही अच्छा होता है और शुद्ध होता है और काफ़ी मात्रा में भी बन जाती है। बाहर से आप जितना भी लेकर आएँ वो घर वाले का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इसलिए सांभर मसाला घर पर गीले मसाले भी तैयार होते हैं और सूखे मसाले भी। सूखे मसाले आप आराम से 3 से 4 महीने रख सकती हैं, अगर फ्रिज में रख दें तो बहुत ही टिकता है ये, तो ज़रूरत नहीं होती है फिर बाहर से लाने की। तो इस तरह से ये देखिए, मिर्च भी करीब करीब सिक गए हैं और अब इन्हें भी
कुछ देर तक ठंडा होने दूंगी। ये देखिए दूसरे बर्तन में ये ट्रांसफर कर दिया मैंने, और पीसते समय इसमें थोड़ा नमक ज़रूर डालना है। नमक एक्चुअली डालने से जो मसालों को, सूखे मसालों का जो अरोमा है वो लॉक हो जाता है। ये एक टिप है, इसे ज़रूर ध्यान रखा जाए कि जब भी डालें तो वो थोड़ा नमक ज़रूर डालें। अब देखिए इसमें पड़ेगा 3 चम्मच चना दाल और 3 चम्मच उड़द की धुली दाल। ये इसे भी उसी बर्तन में, उसी पैन में रोस्ट करना है, हल्का हल्का रोस्ट, बिल्कुल उसी तरह सिम करके ही धीमी आंच पे इसे भी रोस्ट करना है। आपको दाल का अंदाज हो जाएगा कि अब ये रोस्ट हो चुके हैं और अब इन गैस ऑफ करना है। हल्का हल्का आप देखिए ये लाली आ गई है, बिल्कुल ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो स्वाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि कितना रोस्ट करना है। अब सारे मसाले एक साथ इनको डाल दिया जाए, जो ऑलरेडी धनिया जीरा वगैरह जो था उसको उसमें रख कर थोड़ा हल्का ठंडा कर लिया। और सबसे पहले ये मिक्सी के जार में सबसे पहले मिर्च, कश्मीरी मिर्च लिया, उसे पीसना है। पहले इतने इसको पीस करके उसके बाद फिर बाकी मसालों को इसमें ऐड करना है। तो देखिए ये मैं इसे पीस चुकी हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लाल रंग आया है देखने में। और अब इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, थोड़ा तो पिस गया है और अभी और पिसेगा तो और भी अच्छे उसका जो महीन पिस जाएगा। तो ये बाकी मसाले देखिए मैं इसे हाथ से छू रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। तो सारे मसालों को अब मिक्सी के जार में डाल दिया और ऑलरेडी पिसी हुई है मिर्च, तो अब इसमें हींग डालना है अच्छे से 3 चम्मच, 3 बड़े भर कर बड़े चम्मच से, ये टेबलस्पून है, 3 टेबलस्पून आराम से। आप अगर आपकी हींग बहुत तीखी नहीं है तो ज़रूर डाल दें, और थोड़ा सा नमक। अब ये देखिए पीस कर इतना तैयार है, हालांकि इसे और पीसना है। ये निकाल करके मैं रखी हूँ क्योंकि ये बहुत भर गया था, इसीलिए से मैंने इतना पीस कर देखा कि ये बहुत महीन नहीं हुआ है, तो मैंने फिर इसे 2 भागों में करके पीसा। और देखिए फाइनली ये इस तरह से इसको एयर टाइट जार में डाल दिया। तो इस तरह ये आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। अब गीला मसाला, अब वो मसाला अलग रख लिया चूँकि अब सांभर बनाना है, तो गीला मसाला के लिए उसी जार में थोड़ा सा नारियल डाला और ये कुछ कलियाँ लहसुन की और अदरक के कुछ टुकड़े, और ये देखिए शैलेट, जो अगर आपके पास है, नहीं तो आपके पास जो प्याज है उसे मीडियम साइज़ के एक प्याज को इस तरह काट करके, कुछ हरी मिर्चें। और इसमें अब पड़ेगा आपका 3 चम्मच मैंने डाला है, ये जो मसाले अभी पीसे ये गुड़ है, 1 चम्मच गुड़ डाल दिया इसमें। और अब इसमें जो मसाला अभी मैंने, ये देखिए सांभर मसाला, ये सब मसाला आप तैयार करके घर में रख लें और अगर ज़रूरत है तो फ्रिज में रख लें। ये देखिए अब मेरा गीला मसाला तैयार है। अब इस गीले मसाले को ही मैं सांभर बनाऊंगी। देखिए सांभर ऑलरेडी मेरी मेरा चढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने प्याज भून लिया, बाकी फिर बाकी सब्जियां थोड़े हल्के तेल में थोड़ा ये तड़का डाल देना है सरसों का, और बाकी सब्जियां डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और दूसरे गैस पे बिल्कुल 2 मुट्ठी ये दाल, अरहर की दाल को ज़्यादा पानी डाल करके उसे पका लिया। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा पानी, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद ये पानी अच्छी तरह, इसमें जितनी सब्जियां आपके पास हैं वो सारी सब्जियां आप डालें और जो भी सांभर में पड़ते हैं, और उसके बाद पानी थोड़ा सा उबल जाए तो अब ये जो गीले मसाले हैं उसमें अगर आपने इसके हिसाब से ही ज़्यादा बनाया है तो 5 से 6 चम्मच एकदम भर कर हीप्ड मसाले इसमें आप आराम से डाल दें, और बाद में वो जो दाल पकी है अरहर की दाल वो उस दाल को आप इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए स्वादानुसार मैंने नमक डाल दिया है। तो सांभर में हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है, हींग आप
अगर बिल्कुल देसी बहुत ही कड़क अगर हींग है तो आप अंदाज से कम डालें, अदरवाइज 2 से 3 चम्मच आराम से चला जाता है। ये देखिए अब मैं इसमें दाल ऐड कर दे रही हूँ। तो ये दाल ऐड करने के बाद फिर थोड़ा 1-2 उबाल आएगा, क्योंकि सारी सब्जियाँ भी पक चुकी हैं ऑलरेडी, थोड़ा क्रंची ही रखना है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो और दाल भी पकी ही हुई है, उसे भी ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस जो ये पानी है और इसमें मिल जाना है, तो ये अच्छी तरह दाल सब्जी, अब ये तड़के की तैयारी है। सांभर बिल्कुल तैयार है आपका। अब तड़के में थोड़ा सा तेल ले लीजिए, उसमें कुछ दाने ये चने की दाल, तेल आप सरसों का भी ले सकती हैं और या ऑलिव ऑयल भी, उसमें थोड़ा एक छोटा चम्मच सरसों, काला सरसों, करी पत्ता डलाएगा इसमें, ये लाल मिर्च डाल दी, साबुत लाल मिर्च डाल दिया मैंने, करी पत्ते इसमें डाल दिए और थोड़ा हींग डाल देना है इसमें, हींग का स्वाद बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा हींग डाल करके थोड़ा हल्का सा पकना है, ये हींग डाल दिया मैंने। तो अब जो ये तड़का तैयार है हमारा, बस दूसरे गैस पे मैंने सांभर रखा है, सांभर ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए तड़का मैंने डाल दिया और जो बचा था वो उसमें थोड़ा सांभर डाल करके उसे निकाल के डाल दिया। तो इस तरह से मेरा सांभर बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट सांभर तैयार होगा, एक बार आप भी ट्राई कीजिए। और दूसरी तरफ मेरा डोसे का बैटर बिल्कुल तैयार था, तो मैंने साथ साथ डोसा भी निकाल लिया। ये देखिए डोसे के लिए मैं 3:1 का रेशियो रखती हूँ, 3 चावल और 1 दाल। ये हमेशा एकदम बिल्कुल आजमाया हुआ ये है, और इससे बैटर बस 3 डब्बे या 3 कटोरी आप चावल रख डाल दें और अलग अलग और पीस करके फिर मिलाएं, खमीर उठने दें। और ये देखिए डोसा और सांभर बिल्कुल तैयार है। तो जब आप अपने घर पे तैयार करती हैं सांभर मसाले, तो उसका रंग देखिए कितना, उसमें रंग डालने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए और भी डोसे मैंने निकाले हैं, और अश्विन को तो डोसा बहुत पसंद है, तो बस उसी को परोस दिया मैंने, वो थोड़ा खा चुका था तो और डोसा उसे डाल दिया। डोसे के बाद मैंने तैयारी की मेदू बड़ा की, तो जो दाल मैंने भिगोए थे उसको पीस लिया है, और पीसने के बाद ये बिल्कुल पानी बहुत कम डालना है, उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह फेंटना है। तो ये देखिए फेंट रही हूँ, और फेंट करके फिर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रखा है जिससे पता चले कि हाँ ये फिटा चुका है। तो बस फेंटने के बाद वो हल्का हो जाता है, एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसमें। उसके बाद आप उसमें हींग, नमक, लाल मिर्च बहुत, और अदरक घिसा हुआ भी डाल सकती हैं, कुछ लोग उसमें करी पत्ते कटे हुए डालते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस हींग, नमक और लाल मिर्च मिला करके ये मेदू बड़ा तैयार कर रही हूँ मैं। तो अगर आपका बैटर बहुत गीला होगा तो ये जो बीच में होल है वो करने में थोड़ी परेशानी होगी, अदरवाइज कोई परेशानी होती नहीं। आराम से आप उसको होल करके धीरे से आप तेल में तैरा करके फिर अच्छे से निकाल सकती हैं। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा मेदू बड़ा बना, और सांभर तो तैयार था ही मेरा। तो ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी। तो बताइएगा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और जो रेसिपी मैंने बताई है वो उसे आजमा कर जरूर देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और मेरा डोसा, सांभर, मेदू बड़ा सब बहुत ही अच्छा बना था, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक मेरा वीडियो देखने के लिए। आपके लिए फिर कुछ नए वीडियोस लेकर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए मैं फिर इजाज़त चाहूँगी।